नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले की असली हीरो हैं ये ललिता बाई। अर्जुन कॉलोनी में कई लोग रहते हैं लेकिन आवाज उठाई हीरो ललिता बाई ने। धार की अर्जुन कॉलोनी की रहने वाली ललिता बाई असली हीरो है। यह महिला धार के अर्जुन कॉलोनी में रहती है। इस महिला ने अगस्त 2021 में दो लड़कियों का रेस्क्यू कर चाइल्ड लाइन व पुलिस की सहायता से तीन आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करवाया। दरअसल छत्तीसगढ़ की नाबालिग बालिका व उसकी बहन को उसी के पड़ोस में रहने वाली महिला छत्तीसगढ़ से पीथमपुर में नौकरी का झांसा देकर लाई थी और धार के अर्जुन कॉलोनी में उसने एक कमरे में दोनों लड़कियों को रखा था। यहां पर दो युवकों के द्वारा नाबालिग के साथ लगातार मारपीट और शोषण किया जा रहा था। पास ही में रहने वाली ललिता बाई को इस घटना की जानकारी लगी। वह बहरी और गूंगी नहीं बनी रही। उसने नाबालिग की बहन से मौका देखकर बात की। नाबालिग की बहन के द्वारा ललिता बाई को पूरा घटनाक्रम बताया गया। ललिता बाई की को नाबालिग की बहन ने कहा कि उन्हें वापस छत्तीसगढ़ अपने परिवार के पास जाना है, उन्हें वह बचाए। ललिता बाई ने हिम्मत व साहस दिखाते हुए इस घटना का अपराध पंजीबद्ध करवाना है यह बात कही। ललिता बाई ने युवती को मनाया, चाइल्ड लाइन को सूचना दी, पुलिस थाने पर सूचना दी, साथ जाकर इस घटना का अपराध पंजीबद्ध करवाया। नाबालिग बालिका और युवती को उनके परिजनों से मैंने उसे मिलवाने में भी मदद की और परिजनों के आने तक खुद उनको उनके घर में रखा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ललिता बाई को उत्कृष्ट कार्य एवं सजगता हेतु सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की है। ऐसे ललिता बाई जैसी महिला के साहस और जज्बे को सैल्यूट, जिन्होंने एक नाबालिग व एक युवती का रेस्क्यू कर उसे बेचने से बचाया और परिवार से मिलवाया। महिला अपराध शाखा की डीएसपी यशस्वी सिंधे ललिता बाई के हौसले की तारीफ करती नजर आती है। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर, रियल लाइफ की रियल हीरो ललिता बाई। पर परेशानी भी होती है जब दौड़ लगाते, पर हाँ खुशी बहुत होती है कि किसी का घर, किसी की माँ बाप उसको मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। वरना वो तो बेच देता है ये बात, क्योंकि वो तो लाया ही इसी इरादे से था। आई थी उसकी औरत मेरे पास, दो बच्चे रहे, बोल रही थी कि कुछ गवाही दे दो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तेरे पति ने ये किया है ना। तो बोले नहीं, मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने नहीं किया तो फिर हमने क्या देखा। मैंने कहा कोई दुश्मनी तो थी नहीं मेरी तेरे पति से। फिर दो तीन बार आई पर मैंने कहा नहीं। क्या नाम है आपका? ललिता पवार। कहाँ रहती हूँ? अर्जुन कॉलोनी। आपने कुछ बच्चियों को बचाया था, क्या जी था? जी मैडम, वो छत्तीसगढ़ की लड़कियाँ थी दो, यहाँ अपने धार के आसपास के दो लड़के लेके आए थे किराए से रहने के लिए। उन्होंने बताया कि मेरे रिश्तेदार थे, बारिश का मौसम था उस समय, तो एक लेडी सही थी उसके साथ, चार बच्चे थे और दो लड़कियाँ थी। तो वो एक लड़की के साथ तो मारपीट करता था, गलत शोषण भी करता था। तो एक जो छत्तीसगढ़ की जो बालिक लड़की थी उसने मेरे को बताया, बातचीत उससे मेरी 8-10 दिन से अच्छी हो गई थी। तो उसने मुझे बताया कि मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी, तो हमें मदद चाहिए और हमको हमारे घर जाना है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा तुम लोग रिपोर्ट क्यों नहीं डालते? तो बोले हमने कभी देखा नहीं, हम पहली बार आए इधर से। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर 2-4 दिन बाद उन्होंने बोला कि हमको मकान खाली करना है। मतलब लड़के को पता चल गया कि मुझे सारी बातें बता दी उसने, तो एकदम से मकान खाली करने लगा वो। तो फिर वो लड़कियाँ बोली कि हमको नहीं जाना, हमको हमारे घर जाना। तो फिर वो लड़कियाँ मेरे घर में आ गई, फिर वो ज़बरदस्ती करने लगा, मारपीट करने लगा। फिर मैंने पुलिस को बुलाया, चाइल्ड लाइन वालों की मदद ली और उन लोगों को थाने पे लेके गई और फिर मैंने उनको शिकायत करवाई और इस तरह वो उनके घर चली गई। इतना साहस कैसे आया आप लोग? मैडम साहस तो क्या, हिम्मत तो रखनी पड़ती है, किसी की मदद करो तो हिम्मत तो रखनी पड़ती है। उस दिन मेरे यहाँ भी कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी, मेरा भाई भी नहीं था, वो भी बाहर गाड़ी पे गया हुआ था। क्या काम करती हूँ? मैं सिलाई करती हूँ। क्या सीएम साहब ने आपको सम्मानित भी किया है इसके लिए? जी, मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, मेरी कांग्रेस में बात भी हुई थी सर से। क्या बोला मुख्यमंत्री जी ने आपको? बधाई दी उन्होंने और प्रमाण पत्र दिया। कितना गर्व महसूस होता है? बहुत। हालांकि पुलिस वालों ने भी मेरी बहुत मदद की इस चीज़ में, बेचारों ने
मतलब रात में छोड़ने भी आते, लेने भी आते थे। वो लड़कियों को लेके भी जाना पड़ता था थाने पे, कोर्ट में, वहाँ पे। इस तरह से मैंने उनकी मदद करी। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनकी मदद की। आपको कैसे एहसास हुआ कि ये लड़कियाँ परेशान? मैडम, वो जो एक लड़की थी ना, वो बहुत गुमसुम रहती थी। एक को वो साथ में लेके जाता था और एक घर पे ही रहती थी। तो जो गुमसुम रहती थी ना, जो बालिक थी, उसने मुझे बताया कि हमारे मेरी बहन के साथ जो एक बालिक लड़की थी, नाबालिग, उसके साथ गलत करता था एक लड़का और मारपीट भी करता था, आवाज़ भी आती थी मुझे। और दो चार बार मैं गई भी थी तो मैंने ऐसा देखा भी सही, इसलिए फिर मुझे थोड़ी सी चीड़ सी होने लगी। मैंने कहा इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसीलिए फिर मैंने ये सब किया। आप अन्य महिलाओं से क्या कहेंगी, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए? उठाना चाहिए ना मैडम, क्यों नहीं उठाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आज उन लोगों के साथ हुआ तो कल अपने साथ भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने साथ नहीं हो सकता, अपने साथ भी हो सकता, अपने बच्चों के साथ भी हो सकता है। या हो सकता है कि कोई लड़की गलत हो, नहीं, अपने लड़कों के साथ भी गलत हो सकता है। इस बारे में तो उठाना चाहिए। नाम बताओ। मेरा नाम ललिता पवार है। यहाँ पे अर्जुन कॉलोनी में एक महिला रहती थी, ललिता बाई। तो उन्होंने ये देखा कि उनके पास के घर में ही कुछ दो लड़के हैं और एक महिला है, जो कि बाहर से दो लड़कियों को लेकर आई हैं और उनके साथ वहाँ पे गलत व्यवहार हो रहा है। फिर जब उन्होंने और जानने की कोशिश की तो ये पाया गया कि वो लड़कियाँ जो हैं वो दोनों मध्य प्रदेश की नहीं थी, बाहर की थी, और उनको यहाँ ज़बरदस्ती रखा जाकर उनका शोषण किया जा रहा था। इसके बाद में ललिता बाई ने पुलिस को और जो चाइल्ड लाइन है उसको कंप्लेंट करी। उन दोनों लड़कियों को अपने घर में छुपा के रखा। पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम ने उनको रेस्क्यू किया था और उसके बाद उसमें अपराध पंजीबद्ध कर चालान लगा दिया गया है और दोनों आरोपी भी जेल में हैं। और सीएम साहब ने सम्मानित किया है महिला को? हाँ, ललिता बाई को सीएम साहब ने, क्योंकि जो हमारा सम्मान अभियान शुरू हुआ था विगत वर्ष, उसमें जो भी ऐसी महिला, पुरुष या वे लोग जो कि महिला अपराधों के प्रति आवाज़ उठाते हैं और जागरूक होकर और निर्भयता के साथ में महिलाओं के न्याय के लिए अपना आवाज़ उठाकर पुलिस को सूचित करते हैं या कैसे भी उन लोगों को संरक्षण देते हैं, तो उसमें सीएम साहब जो है असली हीरो के लिए उनको सम्मानित करते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में धार जिले की ललिता बाई को असली हीरो के रूप में सीएम साहब द्वारा सम्मानित किया गया था। किस प्रकार से, मतलब उसने जो है हिम्मत से काम लिया? एक्चुअल में उस मोहल्ले में और भी बहुत सारे लोग रह रहे थे, और क्योंकि अगर हमारे मोहल्ले में, ये तो बहुत कॉमन बात है कि कोई अगर आके रह रहा है और नया है, बाहर का है, तो वो अलग ही पता लग जाता है। पर अमूमन ये होता है कि कोई भी इस तरह की हिम्मत नहीं करता है। और उसने बहुत ही साहसिक कार्य किया था कि उन दोनों लड़कियों को अपने घर में भी रखा और उसके बाद में कंप्लेंट की, और कंप्लेंट में भी के बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें भी उसने हमेशा हमारा सहयोग किया और उन लड़कियों के वापस घर जाने तक, उनके माता पिता के आने तक भी उनका ध्यान रखा और हर स्तर पर पुलिस की और उन दोनों बालिकाओं की मदद की। नाम बता दीजिए आपको। यशस्वी शिंदे, उप पुलिस अधीक्षक, महिला सुरक्षा शाखा, धार। थैंक यू।